करण। सो अब देखते हैं अभी कुछ हमने क्या क्या लिया, अभी हमने सिर्फ कुछ थोड़ा सा स्टफ लिया, घर जाके दिखाएंगे आपको। पहले हम चलते हैं मैक्स में, चलो करके आए थे जैसे कि आपको पता है, आज हम गए थे लांटे, तो हम वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके आए थे एंड आज मैं आपको दिखाऊंगी हम क्या क्या लेके आए हैं। सो गुरजोत मेरे साथ है और गुरजोत मेरी हेल्प करेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आइटम है हमारी ये जीन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये जीन्स हम लेके आए हैं अलांटे से एंड आजकल आपको पता है पॉकेट वाली जीन्स चल रही है, तो फिर पॉकेट वाली जीन्स ली है एंड इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। सो ये स्ट्रेट फिट में है एंड ये हमें आई थिंक 1100 की पड़ी थी आफ्टर डिस्काउंट। आइटम हम ये बैग लेके आए हैं माइकल कोर्स का जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है और हमें इसका प्राइस हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया था ये बैग और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये वर्थ इट भी लगा हमें बिल्कुल लाइक परफेक्ट। नेक्स्ट आइटम हम ये लेके आए हैं ये वॉलेट और ये ओपन करके दिखाना गुरजोत। इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, आप कार्ड्स भी ऐड कर सकते हो अपने। सो ये भी बहुत अच्छा लगा और ये भी वर्थ इट है, लाइक इतना कॉस्टली भी नहीं है ये। उसके बाद फोर्थ आइटम हमारी आती है साइकिलिंग शॉर्ट्स जो कि आजकल पता है ऑलमोस्ट हर किसी को जरूरत होती है। फिर हमारी आती है एक ये लेके आए थे हम, मैं पता क्यों ली, मैंने इसके साथ मैचिंग करके ली कि जैसा मेरा बैग है वैसे ही मैंने ये ली। सो एक ये लेके आए थे हम। उसके बाद हमें कि शॉर्ट टॉप लेके आए थे, क्रॉप टॉप काइंड ऑफ, लाइक ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पहनी हुई स्पेशली जीन्स के साथ। इसको मैंने इसके साथ मैच किया था इसलिए मैंने फिर ये वाली भी ली थी अपने लिए, बहुत अच्छी है ये, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हमने वेस्ट साइड से ली थी और ये हमें सिर्फ 300 की पड़ी थी यार। एंड उसके बाद हमने ये टॉप ली थी, ये भी बहुत कूल लगती है। ये भी हम लेके आए थे क्योंकि हमें इस पर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, ये हमें 1300 की 700 में पड़ी थी, तो हमने सोचा कि एक स्वेटशर्ट भी ले लेते हैं, तो इसलिए ये भी मैंने एक ले ली थी और इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, स्किन कलर है ये। सो ये भी बहुत अच्छी लगी थी और ये बिल्कुल लाइक शॉर्ट में है। और गाइस एक ये गुरजोत ने अपने लिए लिया है, पता नहीं क्या सोच के लिया है इसने ये, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका कलर मेहंदी कलर में आएगी आप देख सकते हो एंड ये भी हमने वेस्ट साइड से ही लिया है। So guys, this is a Slinka which I have ordered from Flipkart as you can see and this is very pretty and this is white in color so it goes with almost all dresses, you know, your gowns, your crop tops, your like every kind of dress up to Vienna you can take this bag with, along with you and it was around 1200 after discount and its quality is worth it. Hello guys, aaj main aur meri सिस्टर आए हैं एकता विहार जो कि बल्टाना छह, एक बहुत ही फेमस शॉप है जिससे का कुल्लड़ पिज़्ज़ा काफ़ी फेमस है। तो पहला ये जो शॉप सी उन्होंने कहते सी सरदार जी कैफे, तो हूँ यदा नाम चेंज हो चुका है तो असं इन्हू कहते हैं चीयर्स कैफे, तो अज असी जा रहे हैं चीयर्स कैफे तो अज असी ट्राई करेंगे इतने का कुल्लड़ पिज़्ज़ा। रेस्टोरेंट बड़ा है पूरा खाली, कुल्लड़ पिज़्ज़ा ही नहीं है, कुल्लड़ पिज़्ज़ा हो गया सी ख़त्म, मिलिया नहीं। तो फिर हूँ असी की खाना सी मुँह, अब देखते हैं हम कुछ स्ट्रीट फूड खाएं। हाँ स्ट्रीट फूड में हम प्रेफर नहीं करते, लेकिन वड़ा पाव ट्राई करें। हाँ चलो वड़ा पाव खा लेते हैं, उस दिन हमने मसाला किया था ना, कोई और कर लेते हैं। चलो असी काफ़ी सोच के गए सी कि अज असी कुल्लड़ पिज़्ज़ा ट्राई करना, बट कुल्लड़ पिज़्ज़ा तब नहीं मिले था, हूँ असी आ चुके हैं हंगरी पॉइंट। तो हम इतों मैं पैक करवाना एक बर्गर, क्या बोल रही है कि कुल्लड़ पिज़्ज़ा खाने का मन था। हाँ बट वो हमारी किस्मत में नहीं था आज। हंगरी पॉइंट काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इनने और बाहर कुछ रेनोवेशन भी हो रही है। और गुंजन को क्या खाना है? पिज़्ज़ा। कुल्लड़ पिज़्ज़ा नहीं है यहाँ पर, ये देख क्या लिखा है, पिज़्ज़ा इज माय ओनली डॉक्टर फ्रॉम प्रोफेशन। ये सारे थॉट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं सारे पढ़े हैं पता है, इधर दिखा दो ना थॉट्स सारे, दिखाया मैंने इधर दिखाओ कितनी अच्छी डेकोरेशन कहती किसी का बर्थडे है। हमने दे दिया अपना ऑर्डर, वो बोले टाइम लगेगा। गाइस अब मैं आ चुकी हूँ, हूँ मैं यहाँ सिमू दे घर सी आ रहे हैं। आज का व्लॉग असं पंजाबी शूट कर रहे हैं सारा, तो तुसी पंजाबी च बोलो। इधर नोनू भैया बैठे हैं साढ़े जो कि बहुत घट दिखते हैं व्लॉग। हेलो नोनू भैया, की हाल है थोड़े? वधिया, सुख नाल फोन ही चलता, 24 घंटे दो दो फोन रखी फिरदा है। तीन हो गए, तीन हो गए
डुप्लीकेट लगता है फिर इन्हें इतना ज्यादा। हाँ बोल डायलॉग मार। हम पापा के लिए लाए थे एक बर्गर पैक करवा के, तो मैंने पापा को बोला था कि मम्मी का पेट ऑलरेडी बहुत बाहर है, आप मत दो मम्मी को बर्गर। पापा बोल रहे हैं मैं मम्मी के साथ थी, मम्मी के साथ शेयर थोड़ा सा दूंगा उसको अपनी मम्मी को भेज दे। तब हम पापा मम्मी पापा मेरी मम्मी क्या करती है जो चीज लाती है वो खुद खाती है। हमारे घर में एक भी चिप्स कुरकुरे का पैकेट नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमारी मम्मी खाती है। मैं चिप्स कुरकुरे नहीं खाती, हाँ जी कोई नमकीन नहीं खाती, वो खराब हो जाती है। फायदा कोई खराब करना नहीं, खराब आप हमें खाने का मौका दिया था इतना चंगा पेट च पैदा मासी किसी ने गुंजन आई है बहुत ही दिन बाद मेरे घर पे। क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये देखो क्या कर रही है, बिल्कुल नहीं आती मेरे घर पे। तो गाइज मैंने गुंजन के लिए निकाल ली है फ्रिज से अमूल चोकोमिनीज। गुंजन को ये बहुत पसंद है एंड आई होप कि वो देख के इसको खुश होगी। ये ले गुंजन खा ले जितनी खानी है, पहले चेक कर ले इसमें है हैगी कि नहीं। हाँ पक्का है ना? यस सच में। ओके चलो बोल रहे मेरा भाई काफी प्यारा बंदा है, ये खाता नहीं है चॉकलेट्स वगैरह, तो ये अपनी बहन को दे देता है और अब मैं वो शेयर कर रही हूँ अपनी। मैंने दो ली है सिर्फ, निशान मैंने ज्यादा नहीं ली, मैं बस दो ही लेती है।